press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटूलाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणा है, लेकिन यह तय है कि यह हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और। पितृदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी भी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है। पितृदोष के बहुत सारे कारण हैं, इसे पितृ ऋण भी कह सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कुछ आसान उपाय पितृदोष से मुक्ति पाने के। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृऋण की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा भी अन्य कई स्थितियां होती हैं। हालांकि इसके अलावा अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित होता है। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति अर्थात गुरु से बताया गया है। अगर गुरु ग्रह पर दो बुरे ग्रहों का असर है और गुरु चौथे, आठवें या बारहवें भाव में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है और यह पितृदोष पिछले पूर्वज बाप दादा या परदादा से चला आता है, जो सात पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो मित्रों, अब हम आपको आठ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप पितृदोष का घर ही घर में निवारण कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है, हर अमावस की सुबह नहा धोकर शुद्ध अवस्था में सर पर पल्ला करके चार रोटी पितरों के नाम की बनाए, उन पर सब्जी, दही, घी, भूरा रख के गाय को खिलाए। खिलाने से पहले गाय के पैरों में पानी डाले, रोटी खिलाने के बाद फिर पैरों पे पानी डालें, उसके बाद हाथ जोड़ के माफी मांगे और कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करें, ऐसा आह्वान करें। उसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। मित्रों, दूसरा उपाय है, देसी घी की ज्योत घर पर पितरों के नाम की जलानी चाहिए। तीसरा उपाय है, माँ काली की नियमित उपासना करनी चाहिए। चौथा उपाय है, कौओं को नित्य रोटी खिलानी चाहिए। पांचवा उपाय, बबूल के पेड़ पर संध्या के समय भोजन रखना चाहिए पितरों के निमित्त। छठा उपाय है, प्रत्येक अमावस्या को गाय को पांच फल खिलाना चाहिए। सातवां उपाय, सुबह पहली रोटी पितरों के नाम की बननी चाहिए, जिसे गाय को अर्पण करना चाहिए। आठवां उपाय, घर के मुखिया को चाहिए कि वह रोज सुबह अपनी थाली से पहला ग्रास यानी कि पहला भाग पितरों के नाम का निकाले और फिर कौओ को खिला दे। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटूलाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए मोटूलाला। अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं हमें हमारे संडे के लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटूलाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।